धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3 फरवरी तक धौलपुर जिले में मौसम साफ रहने की संभावना। धौलपुर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से चलते हुए देखा गया। वहीं अन्य दिनों की अपेक्षा आज सर्दी भी बढ़ गई। आज धौलपुर जिले में करीब 2 डिग्री तापमान गिरा है, जिस कारण ठंडक बढ़ी है। हालांकि आगामी 3 फरवरी तक अब तक धौलपुर जिले में मौसम साफ रहने की संभावना है। कृषि विभाग धौलपुर के कृषि अधिकारी डॉक्टर शिवमूर्त मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले में 2 डिग्री तापमान गिरा है, जिस कारण ठंड बढ़ी है। गुरुवार को जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री एवं अधिकतम तापमान 21 डिग्री था। वहीं आज शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। डॉक्टर मीणा ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से आगामी 3 फरवरी तक धौलपुर जिले में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों में 2 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में मौसम विभाग का तापमापी यंत्र अब कृषि विभाग कार्यालय धौलपुर परिसर में ही लगा है। जिला अस्पताल धौलपुर में डॉक्टरों ने महिला के पेट का ऑपरेशन कर निकाली 10 किलो बजनी गांठ। डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में आज चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन कर एक महिला के पेट से करीब 8-10 किलो वजन की गांठ निकाली है। ऑपरेशन करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे सर्जन डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि जिले के सैपो इलाके के गांव काकोली निवासी महिला कमला देवी पेट दर्द की शिकायत से अस्पताल में दिखाने आई थी, जिसकी जांच कराने पर पता चला कि महिला के पेट में अंडाशय में गांठ है, जो 20x15 सेंटीमीटर की है, जिसका आज चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक जिला अस्पताल धौलपुर में ऑपरेशन कर गांठ को बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि इस गांठ को मेडिकल की भाषा में ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर आशीष शर्मा, निश्चेतक डॉक्टर दीप्ति शर्मा, डॉक्टर गोविंद सहित नर्सिंग कर्मी पूरन सिंह, निरोतीलाल भावना व अजय पुनिया आदि शामिल हैं। आज कमला देवी महिला का ऑपरेशन किया गया। पेट से एक गांठ निकाली गई, जिसका हमारी भाषा में ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। ये ओवेरियन सिस्ट आम तौर पर 6 से 7 सेंटीमीटर तक की होती है, पर अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो इसका साइज बढ़ सकता है और ये करीब करीब 20 सेंटीमीटर तक की भी हो जाती है। इस मरीज में भी यही था और 20 सेंटीमीटर ही लगभग 20 सेंटीमीटर साइज था और 8-10 किलो का वजन था। इसको ऑपरेशन ना किया जाए ऐसे मरीजों का तो गांठ काफ़ी बड़ा रूप ले लेती हैं और इसमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। कभी कभी टॉर्शन होके अत्यधिक पेन हो सकता है मरीज को, और नहीं ली जाए दवाइयां या उपचार, ऑपरेशन ना कराया जाए तो ये फट भी सकती हैं। खेतों की रखवाली करने गए अधेड़ की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। सैपो उपखंड क्षेत्र के सहरौली गांव में एक 50 वर्षीय अधेड़ किसान खेतों की रखवाली कर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना गांव से बाहर बने एक मंदिर के पास की है। बताया गया है कि अल सुबह के पहर चारों ओर छाए घने कोहरे के चलते गांव की ओर आ रहे एक टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे किसान जमीन पर गिर गया और उसके गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन गंभीर हालत में CSC सैपो पर ले गए, जहां डॉक्टर दिनेश सिंह नरूका के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अजमेर पुत्र गोरेलाल कुशवा की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि अजमेर शाम के समय घर से खेत की रखवाली करने के लिए गया हुआ था। आरोप है कि सुबह के पहर खेतों से घर लौटते समय रास्ते में गांव की ओर आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे अजमेर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ASI दयाशंकर शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां घटना के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। मृतक का CSC पर पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं टेम्पो को जब्त कर थाने में रखवाया गया है तथा जांच शुरू कर दी है। मेरे चाचा जी है ना, उनका नाम अजमेर है, वो शाम को खेतों पर मतलब शोर रखवाली के लिए जाते थे और बाजारों से मतलब खेत की रखवाली के लिए, और वो सुबह जब घर आ रहे थे तो उन्होंने टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया, मतलब टक्कर देकर चला गया, टेम्पो वाला भाग गया है।
और उनकी मृत्यु हो गई है। मयूरी सर्जिकल हॉस्पिटल में किया गया कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण शिविर का आयोजन आज मयूरी सर्जिकल हॉस्पिटल धौलपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गर्ग ने स्वयं टीका लगवाकर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ मास्क का प्रयोग व 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। जिला प्रशासन चिकित्सा विभाग की कड़ी मेहनत एवं आमजन के सहयोग से जिले के कोरोना मुक्त होने पर बधाई दी। शिविर में कोरोना काल में आमजन के बीच अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाले रेड क्रॉस सोसाइटी, संकल्प नर्सिंग एवं पैरामेडिकल व मयूरी हॉस्पिटल के स्टाफ का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संजीव श्रीवास्तव, भाजपा नेता राम कुमार गर्ग, समाज सेविका मधु गर्ग, नरेंद्र तोमर, दरविंदर शिकरवार, मोहित गर्ग, नेहा गर्ग, आरती गर्ग, संगीता श्रीवास्तव, चंद्रमोहन शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, रोहित शर्मा, नरसिंह कुशवाहा, हरिमोहन, भास्कर शर्मा आदि मौजूद रहे। बड़ी खुशी की बात है कि कोविड-19 का टीकाकरण मयूरी हॉस्पिटल में किया जा रहा है और सभी लोग बड़ी खुशी से अपने टीकाकरण करा रहे हैं। मैंने भी आज अपने वैक्सीन लगवाया है और ये कोविड-19 के नाम से जो वैक्सीन है वो वास्तव में बहुत सुरक्षित है और लगाने के बाद मुझे लगाने में कोई कष्ट नहीं हुआ। लगाने के बाद भी मैं आज करीब 15-20 मिनट हो गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो इसलिए बड़ा सेफ और संतुष्ट वैक्सीनेशन है और इससे लोग डरे नहीं और इस वैक्सीन को बड़ा आराम से लगवाएं और इससे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये कोविड से जो बीमारी होती थी वो आज इसका रोकथाम बड़े ढंग से होगी, इसका उपयोग जरूर रूप से जरूर करें और इसमें लगाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण के लिए लगाया शिविर, 60 शस्त्रों का किया नवीनीकरण। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर तहसील धौलपुर के अनुज्ञा पत्र धारियों के बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण कैंप का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट परिषद धौलपुर में किया गया। कैंप में थाना वसईडांग एवं कोतवाली के अंतर्गत आने वाले शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारकों का नवीनीकरण शिविर आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि शस्त्र अनुज्ञा धारकों को समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया तो उनका अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शस्त्र धारकों की होगी। निरस्त करने के बाद उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, लंबे समय से लंबित पड़े आवेदन भी निरस्त होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वर्मा ने बताया कि आज 60 शस्त्र अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण हुआ। इस अवसर पर धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279-27-1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता, आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। अब मिलेगा आपको खाने का असली स्वाद, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है चौधरी फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और नाश्ता एक ही छत के नीचे। नाश्ते में फिंगर चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ग्रिल टिप्स, पनीर फिंगर आदि। साउथ इंडिया खाने में डोसा मसाला, पनीर मसाला, इडली, उत्पम, चाउमीन आदि। इंडियन खाने में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्सी रोटी, आलू पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा आदि। फैमिली और कपल्स के लिए केबिन सुविधा उपलब्ध। मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी की भी सुविधा उपलब्ध। 1 माह तक खाने पर 5% की विशेष छूट।
प्रॉपराइटर मान सिंह चौधरी, पता दीपा रेडीमेंट के बगल में पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवन का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 KB बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। भरतपुर में डीजीपी की प्रस्तावित बैठक को लेकर धौलपुर एसपी ने ली जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक मोहनलाल लाठर प्रदेश की प्रत्येक रेंज में रेंज स्तर पर वृत्त स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा करने जा रहे हैं। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस महानिदेशक 3 फरवरी 2021 को भरतपुर में रेंज स्तर पर धौलपुर जिले में वृत्त स्तरों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसकी तैयारियों के संबंध में आज शुक्रवार को पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में जिले के वृत्त अधिकारियों, थानाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने वृत्ताधिकारियों को डीजीपी की मीटिंग के संबंध में वांछित सभी आवश्यक सूचनाएँ निर्धारित प्रारूप में तैयार करने, गश्त एवं नाकाबंदी प्लान तैयार करने, वीट एरिया की सूचना तैयार करने, सर्किल के डाइजेस्ट रजिस्टर को दुरुस्त करने एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, वृत्ताधिकारी धौलपुर प्रवेंद्र मेहला, सीओ मनिया मनोज कुमार गुप्ता, सीओ सैपऊ विजय कुमार सिंह, सीओ बाड़ी बाबूलाल मीणा, सीओ सरमथरा सीताराम बैरवा, मुनीश कुमार एवं जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर आयोजित, 36 यूनिट रक्तदान। अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह व वरिष्ठ अतिथि जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरबीर सिंह रहे। शिविर का शुभारंभ अतिथियों ने श्री अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। रक्तदाताओं का सम्मान करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने धौलपुर जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की सराहना की। साथ ही प्रथम बार रक्तदान देने वाली युवती गायत्री, ज्योति कुशवाहा व सोनल गोयल को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों की टीम में डॉक्टर वीडी व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर गुरवी चौहान ने रक्तदान से स्वयं को होने वाले लाभ के साथ समाज के प्रति अपने योगदान को अद्वितीय बताया। इस अवसर पर रक्त वीरों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में 17 जनों ने प्रथम बार रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में जिलाध्यक्ष कमल किशोर बंसल, विजय बंसल, रोहित मंगल, सौमेंद्र मंगल, राजीव गर्ग, गौरव सरोती, कमल ठाकुर, मुकेश शर्मा, मुस्तिक खान आदि मौजूद रहे। मेरा नाम ज्योति कुशवाहा है और आज यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और यहाँ मैंने डोनेट किया है अपना ब्लड। मैं चाहती हूँ आप भी आगे से डोनेट करें और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करें। आपने पहली बार किया है? हाँ जी हाँ, मैंने पहली बार किया है। मेरा नाम गायत्री है, आज अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल अग्रसेन की तरफ से आज रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें मैंने पहली बार रक्तदान किया और करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी से यह विनती करूँगी कि जरूरतमंदों के लिए आप भी रक्तदान करें। हैदराबाद से लौटते समय सैपऊ इलाके का युवक रास्ते में हुआ गायब, 6 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। सैपऊ उपखंड क्षेत्र के खपरेला गांव निवासी एक युवक हैदराबाद से मजदूरी कर लौटते समय रास्ते में अचानक गायब हो गया। परिजनों के द्वारा काफ़ी तलाश करने के 6 दिन बाद भी गायब हुए युवक का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिजन काफ़ी चिंतित बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय संतोषी पुत्र मुरारीलाल कुशवाहा निवासी खपरेल बीते 6 दिन से गायब है। बताया गया है कि करीब 1 माह पूर्व युवक संतोषी गांव के ही युवक राजू पुत्र गंगाराम के साथ मजदूरी करने हैदराबाद गया था।
दिनेश व बच्चू सिंह आदि ने बताया कि करीब 6 दिन पूर्व संतोषी और उसका साथी राजू हैदराबाद से घर आ रहे थे। तभी शिमली जिले तक संतोषी के परिजनों की संतोषी से बातचीत हुई, जहां राजू व संतोषी के द्वारा एक होटल पर रुककर खाना भी खाया गया, जहां से युवक राजू तो घर वापस आ गया लेकिन संतोषी रास्ते से गायब है, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। हमारा बच्चा संतोषी 1 महीने पहले हैदराबाद काम करने के लिए गया था और वहाँ से काम करके आज से 6 दिन पहले घर के लिए आ रहा था। वो आने के बाद कौन से सिवनी जिले तक तो तलाश मिलती रही है, फ़ोन से बात होती रही है उसके बाद, और आज 6 दिन 6 रात हो गई कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, कोई तलाश नहीं है। और काफ़ी कोशिश कर ली, इधर उधर घूम रहे हैं, मोबाइल और आधार कार्ड उसके पास कोई सबूत नहीं। अरे साहब, हम हैदराबाद बच्चा को मारो 1 महीना पहले काम करवे, वो आज से 6 दिन पहले वापस आए गए हुए सिवली जिले तक, और सिवली जिले पे थे, उसने फ़ोन करो है कि चाचा मैं आ रहा हूँ, और वहाँ थे साहब कोई उसको फिर 6 दिन से फ़ोन ना आयो कि संतोषी को न पता हो कि कहाँ है, उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई मोबाइल नहीं नंबर उसको याद होगा, उसके पास फ़ोन नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। नहीं, उसने लड़के से बात हुई तो क्या बताया था कहाँ तक आ गए? उसने बताया कि सब मैं सिवली जिले तक आ गया हूँ, उसके एक पार्क में रुक रहा हूँ, उसने तो फ़ोन से बात हुई है पार्क वाले से और एक कैंटर वाले से, उसने रात बताई है कि चाचा मैं निकलूँगा सुबह रोडवेज से, हम चाचा अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि लल्लू आए 6 दिन आएगा, कोई संतोषी की सूचना ना। घंटाघर रोड पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया गरीबों को कंबलों का वितरण। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक धौलपुर द्वारा आज शहर के घंटाघर रोड स्थित बैंक परिसर के बाहर असहाय और गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की नवनिर्वाचित सभापति खुशबू सिंह रही। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल, उप सभापति माया देवी, जितेंद्र सिंह राजौरिया, डॉक्टर DK बंसल, डॉक्टर JP गर्ग, विशंबर दयाल, सोनू त्रिवेदी, जीतू कंसाना, बच्चू तिवारी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रांच मैनेजर लोकेंद्र कुमार ने की। इस दौरान ब्रांच मैनेजर लोकेंद्र कुमार ने कहा कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है, समय समय पर हमारी ओर से विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं। अब सर्दी के मौसम को देखते हुए आज असहाय और गरीबों के लिए कंबलों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा होती है, बैंक द्वारा किया गया यह कार्य प्रशंसनीय कार्य है। इस मौके पर बैंक के अमन अग्रवाल, शाखा के उप प्रबंधक विवेक मुदगल, सौरभ विवेक, करुणा बंसल, विनय मित्तल, अनुराग, आकाश, सचिन, अमित, राकेश आदि मौजूद रहे। मचकुंड रोड स्थित रैन बसेरा का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया निरीक्षण, स्टाफ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव व जिला अपर एवं सेशन न्यायाधीश शक्ति सिंह द्वारा आज धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। सचिव सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सर्दी के बचाव के लिए रैन बसेरे संचालित किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति इन रैन बसेरों में निःशुल्क रात्रि विश्राम कर सकता है। जरूरतमंद, बेसहारा एवं असहाय व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और सर्दी से अपना बचाव करना चाहिए। रैन बसेरे में रुकने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सचिव शक्ति सिंह ने बताया कि रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के लिए मूलभूत सुविधाएं कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही कोरोना महामारी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रैन बसेरा स्टाफों को दिशा निर्देश दिए गए। रैन बसेरे में पर्याप्त रजाई, गद्दे व सर्दी से बचाव के लिए अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था पाई गई। शौचालय एवं स्नान घर स्वच्छ मिले, स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था मौके पर मिली। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल, होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स, यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, AC, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम, फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध, अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध, एक बार जरूर पधारें।
होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414-23-84-12। टाइल्स के मामले में देश की नंबर वन कंपनी सिंपोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स। फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स। टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता। इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेशन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिंपोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपौ रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें, टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677। स्मारक समिति राजाखेड़ा ने किया 201 कंबलों का वितरण। राजपूत धर्मशाला राजाखेड़ा में समाज सेवी नत्थी सिंह की याद में स्मारक समिति द्वारा वंचित व निराश्रित महिलाओं को 201 कंबलों का वितरण किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रफीक खान ने कहा कि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जिए वही सच्चा इंसान है। पूर्व पालिका अध्यक्ष अजब सिंह ने कहा कि नत्थी सिंह का जीवन क्षेत्र के वंचितों की सेवा और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता है और उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य निश्चित ही वंचित वर्ग के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि नत्थी सिंह गरीबों के लिए समर्पित रहे, ऐसे में उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों के लिए कार्यशील लोगों को प्रेरणा देगा। विजेंद्र सिंह, वासैया खान, अशोक शर्मा, व्यापार मंडल पूर्व, पूरनचंद जैन, सतीश जैन, कमल जैन, अतर सिंह, अनूप तिवारी, शिवशंकर, बैजनाथ, माखन सिंह, नाहर सिंह, शिवराम, नवीन जैन, राजपूत समाज अध्यक्ष चरण सिंह, अफसर पठान ने भी संबोधित किया। गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चालकों की समझाइश के लिए अभियान। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर वाहन चालकों की समझाइश के लिए अभियान चलाया गया, साथ ही वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाई गई। अभियान को लेकर जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर मनोज कुमार वर्मा ने परिवहन निरीक्षकों को आदेशित किया है कि वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान का कड़ाई से पालन कराएं। इस अवसर पर गुलाबबाग चौराहे पर परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी, श्रीकांत कुमावत के साथ यातायात पुलिस प्रभारी यशपाल सिंह ने व्यावसायिक वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के प्रति समझाइश की और उनके वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए। इस दौरान विभाग द्वारा 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्रवाई की गई। 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर शहर में अलग अलग जगह गुलाबबाग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हमने स्टिकर्स लगाए हैं। अपनी रोडवेज बसों के अंदर भी स्टिकर्स लगाए हैं, उनके ऊपर निर्देशित किया हुआ है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट पहनकर, टू व्हीलर चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर, फोर व्हीलर चलाएं, जो भी ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करके ही गाड़ी चलाई जाए। आज यहाँ पर गुलाब बाग पर सभी परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं और यहाँ पर स्टिकर्स का प्रोग्राम रखा गया है और स्टिकर सभी गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर हर एक पॉइंट निर्देशित किया हुआ है और पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। संजय कंसाना बने अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा जिलाध्यक्ष। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर ने संजय कंसाना के द्वारा गुर्जर समाज के लिए समाज हित में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जैतपुर निवासी संजय कंसाना को धौलपुर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, जिस पर समाज के लोगों ने संजय कंसाना का माला पहनाकर स्वागत किया।
नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय कंसाना ने कहा कि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और समाज में एक अच्छी टीम बनाकर समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने का काम करूंगा। पुराना शहर स्थित साईं मंदिर पर किया गया विशेष पूजा अर्चना का आयोजन, महाआरती के बाद हुआ अन्नकूट कार्यक्रम। श्रीणी साई दर्शन भक्त संस्था धौलपुर की ओर से पुराना शहर धौलपुर स्थित माधवानंद की बगीची के साई मंदिर पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह साई बाबा का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा का संदेश सबका मालिक एक का प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाना, एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ, जात पात के भेदभाव को त्याग कर एक परिवार की तरह रहो। कार्यक्रम के तहत मंदिर परिसर में दिनभर भजन कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शाम को महाआरती के बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, अंकुर बंसल, अजय बंसल, बनवारी शर्मा, संदीप, रवि सिंगल, राहुल कंसाना आदि भक्तगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन, रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।